लेकिन इनका नाम एक ही है। इनके मंदिर में कोई मूर्ति भी नहीं होती, वो है यहाँ के लोगों का देवी देवताओं के प्रति आस्था और भूम्याल का मतलब होता है भूमि का देवता। जब फसल का वक्त होता है तो भूम्याल देवता के मंदिर में बीज की बालियां चढ़ाकर अच्छी फसल होने का आशीर्वाद लिया जाता है। राजस्थान के खड़गदा में क्षेत्रफल देवता का एक बहुत बड़ा और प्रसिद्ध मंदिर है। उत्तराखंड में भूम्याल देवता के मंदिरों में कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि यहाँ पत्थरों को लिंग स्वरूप विराजमान किया गया है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरी नई वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आप लोग अपने अपने घर में सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी एकदम बढ़िया है। तो हम रहते हैं उत्तराखंड में, जिसे देवभूमि के नाम से जाना जाता है। सुंदर वादियाँ, खूबसूरत पहाड़ और यहाँ प्यारे प्यारे गांव के बीच बसे हैं देवी और देवता। अलग अलग प्रयागरों में बसे इन देवी और देवताओं के बीच एक ऐसे भी देवता हैं जिन्हें हर क्षेत्र में पूजा जाता है। ये है तो अनेक, लेकिन इनका नाम एक ही है। इनके मंदिर में कोई मूर्ति भी नहीं होती, बस छोटे छोटे पत्थर लिंग स्वरूप में होते हैं। देखा जाए तो देवी और देवताओं का उत्तराखंड के जनमानस के साथ एक अटूट बंधन है। इतिहास से लेके वर्तमान तक उत्तराखंड का प्रवेश काफी बदला, दशक बदले, लेकिन जो नहीं बदला वो है यहाँ के लोगों का देवी देवताओं के प्रति आस्था और अटूट प्रेम। वैसे तो यहाँ हर भगवान को पूजा जाता है, लेकिन जिन देवी और देवताओं को उत्तराखंड में सबसे ज्यादा पूजा जाता है वो है यहाँ के भूम्याल देवता। तो चलिए मैं आपको रूबरू कराती हूँ उत्तराखंड के हर एक गांव, हर एक शहर, हर एक क्षेत्र की रक्षा करने वाले भूम्याल या क्षेत्रफल देवता। भूम्याल का मतलब होता है भूमि का देवता या वो जो भूमि की रक्षा करता हो। भूम्याल देवता या क्षेत्रफल देवता ये कोई एक देवता नहीं है, बल्कि हर क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग होते हैं। उत्तराखंड में जितने भी देवता या भूम्याल देवता हैं, उन्हें भगवान शिव का गढ़ माना जाता है। इसलिए अगर आप उत्तराखंड में देखें तो ज्यादातर मंदिरों में आपको इनकी कोई मूर्ति नहीं मिलेगी, लेकिन यह वहाँ लिंग के स्वरूप में विराजमान है। भूम्याल देवता के बारे में यह भी माना जाता है कि अपने हर क्षेत्रवासियों की रक्षा हर असुर शक्तियों से करते हैं। उत्तराखंड में भूम्याल को एक बड़ी सदस्य के रूप में देखा जाता है। जब फसल का वक्त होता है तो भूम्याल देवता के मंदिर में बीज की बालियां चढ़ाकर अच्छी फसल होने का आशीर्वाद लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड में ही भूम्याल देवता की पूजा करी जाती हो। दक्षिण भारत, राजस्थान से लेकर नेपाल तक भूम्याल देवता की पूजा करी जाती है। जैसे उत्तराखंड के पहाड़ियों में भूम्याल देवता का स्वरूप होता है, तराई तक पहुंचते पहुंचते इनका स्वरूप भी बदल जाता है। राजस्थान के खड़गदा में क्षेत्रफल देवता का एक बहुत बड़ा और प्रसिद्ध मंदिर है। उत्तराखंड में भूम्याल देवता के मंदिरों में कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि यहाँ पत्थरों को लिंग स्वरूप विराजमान किया गया है। वैसे ही राजस्थान और नेपाल साइड इनकी एक मूर्ति रखी गई है मंदिरों में। दारुक नाम का एक असुर था जिसे ब्रह्मा जी से वरदान मिला हुआ था कि उसका कोई भी पुरुष वध नहीं कर पाएगा, बल्कि उसका वध एक स्त्री ही कर सकती है। ऐसे में दारुक का वध करने के लिए माता पार्वती ने उग्र रूप धरा। राक्षस का वध करने के बाद भी काली बनी पार्वती का क्रोध शांत नहीं हुआ। तब भगवान शिव ने मोर्चा संभाला। कालिका के क्रोध को शांत करने के लिए भगवान शिव रुद्र भैरव के रूप में प्रकट हुए। कालिका ने क्रोध में आकर खड़क से रुद्र भैरव के 52 टुकड़े कर दिए। हालांकि उनको पता नहीं था कि ये भगवान शिव हैं।
इन 52 भैरवों ने स्तुति गाकर नृत्य करके क्रोधित कालिका को शांत किया। इसके बाद अलग अलग क्षेत्रों की रक्षा के लिए इन 52 भैरवों को नियुक्त किया गया। इसे क्षेत्रफल, भैरव भूमि और किसानों की रक्षा के लिए सौंपा गया। उसी समय से किसान भूमियाल देवता या क्षेत्रफल देवता को पूजते हैं। देखा जाए तो साउथ की मूवी कांतारा में भी इसके बारे में बहुत कुछ बताया गया है।